तो आज थोड़ा बहुत शायद से मोटो व्लॉगिंग टाइप कुछ दिखेगा। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मोटो व्लॉगिंग का, ऊपर से हमने हेलमेट नहीं पहना, बाइक का पंचर हो गया। ठीक है, तो मैं इसको चला के ला रहा था, इसका पहिया खोल दिया गया। ठीक है, तो हम अभी जाएंगे सीधा। तो सीधा है हमारा, जहाँ भी जा रहे हैं हम, अभी मैंने भी नाम नहीं रिवील किया मैंने। सो हेलो गाइस, दिस इज वनीरा एंड यू वाचिंग एडवेंट बनी पाई। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। जो भी है, तो बात हुआ था कि दो तीन दिन बाद और एक वीडियो आएगा, लेकिन वो हो गया पोस्टपोन और दो तीन दिन की जगह पे 4-5 दिन होने को आया। ठीक है, तो जो भी है, आज फाइनली आ रहा है वीडियो। और आज मैं थोड़ा जा रहा हूँ एक जगह एक्सप्लोर करने के लिए, जो मैंने पहले भी किया था लेकिन यूट्यूब पर कभी नहीं दिखाया। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना उस जगह का एक वीडियो बनाया जाए, एक्सप्लोर किया जाए उस जगह को। तो मेरे साथ आज है कौशिक और हमारे साथ और एक नया गेस्ट है यूट्यूब पे हमारा, जो है अपना हयाभूसा। मतलब बहुत दिनों से, 7-8 दिनों से इसको मतलब बहुत कुदा रहे थे। तो आज फाइनली इसको लेकर जा रहे हैं, और हमारे इधर से अप्रॉक्स 22 किलोमीटर जैसा दूर है वो जगह जहाँ पे आज जाने वाला है। तो आज थोड़ा बहुत शायद से मोटो व्लॉगिंग टाइप कुछ दिखेगा, तो देखते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। कौशिक पकड़, अच्छा सा आना चाहिए। ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो मोटो व्लॉगिंग जो होता है ना, उसका फ्रेम अच्छा आना चाहिए। ए गाइस, अपुन अभी इधर से ही जाएगा। ठीक है, भालू अच्छे से पकड़ ब्रो, आई डोंट थिंक कि तू अच्छे से पकड़ रहा है इसको। वाओ, गुड, नाइस, तेरे को फ्रेम अच्छा दिख रहा है। सही है, फिर चलो हम क्रॉस कर चुके हैं रेल गेट, अभी सीधा आमगुड़ी की तरफ बढ़ेंगे हम, आमगुड़ी की तरफ। जो भी है, इधर रास्ता गाइस इतना गंदा है ना, क्या ही बताए। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मोटो व्लॉगिंग का, ऊपर से हमने हेलमेट नहीं पहना इस वजह से, सॉरी गाइस। आप जब भी बाइक ड्राइव करो तभी मतलब हेलमेट यूज़ करो गाइस, यही हम आपको कहेंगे बस। और हम हेलमेट नहीं पहन रहे क्योंकि हेलमेट है नहीं अपन के पास, और क्या कहते हैं, सीन गंदा वाला भी है। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। तो गाइस, जब नसीब खराब होता है ना तब ऐसा ही होता है। तो अभी मतलब बाइक का पंचर हो गया। ठीक है, तो मैं इसको चला के ला रहा था, तो कौशिक को कहा कि भाई तू थोड़ा पकड़ ले, क्योंकि मेरे को थोड़ा वीडियो में भी दिखाना है, स्ट्रगल तो दिखाना चाहिए ना, क्या क्या हो रहा है हमारे साथ और क्या क्या सीन हो रहा है, ये तो दिखाना होता है ना आपको। तो गंदा वाला, हम आमगुड़ी बाज़ार क्रॉस कर चुके थे, फिर से हम आमगुड़ी बाज़ार की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें हवा भरवाना है। अप्रॉक्स 200 मीटर तक चले गए थे बाज़ार छोड़ के। ठीक है, अभी फिर से बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, आई होप कि सामने मिल जाएगा पंचर का दुकान। बाय गॉड, पंचर हो जाए, मतलब अगर पंचर है ना तो ख़त्म सीन। ऑलमोस्ट 300 मीटर जैसा इसको पैदल लाने के बाद, ठीक है, हम अभी आमगुड़ी बाज़ार में हैं और अभी ये पाम होने के लिए रेडी। और बता, पनौती तू है या मैं? पनौती गाइस, शक्ल दिखा दे पनौती। तो हवा होने के बाद हम चले जाएंगे। आइस सीन गंदा वाला, क्योंकि अभी अभी हमको पता चला कि लीग है गाइस, खत्म सीन। को पैसा है ना तेरे पास? वो मेरे तरफ देख रहा है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ बस। इसका पहिया भी खोलना पड़ेगा रे गाइस। क्या पनौती लेकर आया बे तू? घर पे क्या खाया था तूने? गाइस लगने वाले अभी इधर ही टाइम खत्म हो रहा है, उस साइड को कैसे जाएंगे आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आईडिया।
तो इसका पहिया खोल दिया गया, ठीक है। सो अभी सीन एकदम गंदा वाला, हमें अभी अभी पता चला कि वो पंचर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसका वोल्टेज ना एकदम टूट गया था, तब वो दिखा रहा मैं। सो देख सकते हो यहाँ पे ऐसे फट गया, ठीक है। सो यहाँ से हवा कर रहा था लीक, तो इसको फेंक देते हैं। ये है अपना नया टायर जो लगा रहे हम, टायर नहीं ट्यूब, भाई अच्छे से लगा देना, ठीक है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। हो गया है टायर रेडी, अभी लगेगा टायर इसमें। वाओ क्या ही कूल, फुल रेडी है अभी बाइक, दौड़ेगा भाई, भौं 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 करके दौड़ेगा, भौं भौं करके दौड़ेगा, अभी दौड़ेगा ना भाई, मस्त दौड़ेगा, मस्त दौड़ेगा बाइक। अभी ब्रेक को एकदम टाइट कर दो, पीछे का ब्रेक एकदम लूज लगता है। तो बाइक है अभी रेडी और आप लोग जा रहे हैं अभी। को चलो रेडी, चलो चलो चलो, वाओ क्या ही मस्त, क्या ही मस्त, अभी आएगा ना मजा। अभी तो पहले तो गाइस अभी ये जो रोड पे हम, पानबाड़ी रोड, क्या ही मक्खन रोड है गाइस, क्या ही मक्खन, एकदम स्मूथली चलता है गाड़ी इसमें, और ऊपर से रोड इतना चौड़ा है ना गाइस, एक बार में दो तीन गाड़ियां तो आराम से चल सकता है इसमें, ठीक है। और ऊपर से पहले हवा बहुत ही कम था हमारे बाइक में, क्योंकि कंडीशन ख़राब था ना पीछे का पहिए का, तो उस वजह से हवा कम था, तो रास्ता भी ख़राब था, तो मज़ा नहीं आ रहा था। अब मक्खन जैसे रोड पे चलाने का जो मज़ा आ रहा है ना, क्या ही बताए। और ऊपर से इस रोड का मतलब सीन ही कुछ मतलब लेवल वाला है ना, इतना अच्छा एक्सपीरियंस इस रोड के साथ। इस बारी लेकर मैं दो तीन बारी इस रोड से जा रहा हूँ, और जब भी मैं गया था अच्छा ही एक्सपीरियंस था मेरा, ठीक है। तो इस रास्ते के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, तो थम्स अप गाइस। वी आर एट पानबाड़ी बाज़ार, अबे धीरे थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे। तो जो भी है, पानबाड़ी बाज़ार पहुंच गए हम फाइनली। तो इधर से हमें दो डाइवर्शन मिलेगा, एक है हमारे लेफ्ट साइड और एक है सीधा, तो हम अभी सीधा जाएंगे, क्योंकि हम अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ सीधा जाना पड़ता है। और इधर दो डाइवर्शन, मैंने क्यों कहा, पहले भी डाइवर्शन आया था, लेकिन इस वाले डाइवर्शन के साथ कुछ पंगा है, जो मैं बाद में आपको समझा दूंगा क्या पंगा है इस डाइवर्शन के साथ। तो पहले डाइवर्शन को आने दो, फिर पता चल जाएगा कि आपको डाइवर्शन के बारे में मैंने क्यों बताया आपको। तो गाइस डाइवर्शन हमारे सामने ही है, एक जाता है लेफ्ट के साइड, ठीक है, और एक जाता है सीधा, सीधा कह सकते हो उसको। तो लेफ्ट के साइड पे भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं शायद आज ही एक्सप्लोर कर लूँगा, इस साइड को भी है, ठीक है। तो हम अभी जाएंगे सीधा, तो सीधा है हमारा जहाँ भी जा रहे हैं हम, अभी मैंने भी नाम नहीं रिवील किया मैंने। तो चलो पहले जाते हैं, उसके बाद आपको ठीक ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ओ भाई अलग ही है कुछ, तो सीधा जाना पड़ता है। फिर से हमें प्यारा रोड मिलते हुए, क्या ही प्यारा रोड है गाइस, मक्खन माफी, वाओ अभी आएगा ना मजा, क्या ही प्यारा रोड, देखो फिर से स्टार्ट हो गया, वाओ क्या ही प्यारा रोड। नहीं सो द थिंग इज, मेरे को आज आना था रामशाही, जो कि मतलब लाटागुड़ी, सॉरी लाटागुड़ी क्यों कह रहे हो, जो है हमारे जल्दापारा गरुमारा फॉरेस्ट का हिस्सा, इसमें कुछ रामशाही के बारे में लिखा है शायद, रामशाही टी गार्डन, ने ये टी गार्डन के बारे में लिखा है, ठीक है। तो इस साइड को आके मेरे को एक्सप्लोर करना था। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि बाइक ठीक करवाने में उधर लेट हो गया हमारा, और अभी इधर गेट लगवा दिया, ठीक है, अभी थोड़ा टाइम है, घूम सकते हैं। और एक गंदा सीन है कि अभी ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, क्योंकि अभी शाम हो गया, अभी इधर समझ रहे हो ना कि मतलब निकलते हैं इधर जो भी है, मतलब हरिन बरिन हाथ, मतलब हाथी वाती एलिफेंट वगैरह कुछ निकलता है, बाइसन वगैरह, तो इसीलिए उस साइड को नहीं जा सकते हम। आसपास घूम सकते हैं लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते, तो जितना हो सके हम इधर देखते हैं क्या हो सकता है इस साइड को, और
फिर और दो तीन साइट है जो दिखाना है आपको, शायद अगर चांस मिले, क्योंकि शाम एकदम ढल गया, सूरज कहीं भी नहीं दिख रहा होगा शायद आपको, जो भी है। तो चलो अंदर जाते हैं, और बेसिकली ये है अपना गेट, अपना नहीं मतलब इस साइड का गेट है। पहले तो इधर टिकट लगता था, अभी टिकट है नहीं, पहले इसमें टिकट लगता था, और इस साइड को टिकट काउंटर है, और अभी ये सब इजी हो गया। मतलब अभी जैसे कि लाइक टिकट नहीं लेते ऐसे ही जाने देते हैं, पहले तो नहीं देता था इसे। और इधर देख सकते हो एक मतलब इतना खूबसूरत फूल का पेड़ है, मतलब इसमें पत्ता ही ऐसा लगता है पिंक पिंक, भाई क्या ही खूबसूरत। उस साइड को भी है देख सकते हो रेड रेड करके, पूरा रास्ता ही मतलब ऐसे, पता नहीं ये कौन सा फूल है या पत्ता है, मतलब पूरा रास्ता ही सेम ऐसा है, बहुत सारा ऐसा पेड़ है, बहुत ही प्यारा दिखता है गाइस। और इधर एक रेस्टोरेंट पार्क टाइप कह सकते हो, पहले ये शायद रेस्टोरेंट या कैफ़े हुआ करता था, जो अभी फ़िलहाल बंद है, आई होप सो कि बंद है। देख देख लो गाइस, ये है अपना छोटा सा जो रिसोर्ट वगैरह मैंने कहा था। इधर एक छोटा सा तालाब है, और ये सीढ़ी है, इसके ऊपर से जाना पड़ता है, एंड अगेन सेम वैसा एक पेड़ जिसमें ये लाल लाल फूल लगा हुआ है। तो आ गया इस रिसोर्ट के बीचों बीच, तो देख सकते हो चारों तरफ का आर्किटेक्ट एकदम अलग है, मस्त 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 दिखता है। आई डोंट नो कि ऊपर जा सकता हूँ कि नहीं, मैं फिर भी मैं जाएगा ठीक है ऊपर। वाह, ये शेप तो मतलब दिया है बम्बू जैसा, लेकिन बम्बू है नहीं, मतलब देख लो ये बम्बू जैसा शेप दिया लेकिन ये बम्बू है नहीं, ये सीमेंट का बना हुआ है ठीक है। भाई नहीं भाई, इसमें लोग है भाई, नहीं जा सकते, इस रिसोर्ट में लोग हैं गाइस। मैं तो ऐसे अंधाधुन जा रहा था, सॉरी इफ आई हर्ट यू गाइस, मैं गिरने भी लगा गाइस, सॉरी गाइस, सॉरी 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 नो। इसमें लोग भी हैं भाई, फैन चल रहा था, पंखा पंखा पा 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 जो भी है, ऐसे चार चार है, एक दो उस सेट को एक, तीन इस सेट को एक, चार, टोटल चार है। एंड अगेन ये शायद कैफेटेरिया है जिधर खाना वाना हो सकता है, मतलब इधर खाने का शायद है। और पीछे का ये ऐसा खूबसूरत सा एक ब्रिज है, अगेन और कुछ नहीं। और इधर देखो बैठने के लिए जगह है गाइस, कितना प्यारा प्यारा, और कोई इधर बैठा भी है गाइस, क्या ही मस्त। और मैं ऐसे पागल कुत्ते की तरह ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। क्या ब्रो गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहा है ठीक है, मैंने मजाक किया। मैं ब्रिज के साइड आ गया, कोशिक उधर अभी भी फ़ोन पे बात कर रहा है, जब उसका बात करना हो जाएगा ना तब चले जाएंगे। तो और एक दो तीन चार सिनेमेटिक शॉट ले लेता हूँ मैं पहले, तब आपसे मिलता हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल हूँ ब्रिज पे, ब्रिज भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये है अपना ब्रिज, इस रिसोर्ट एक्सप्लोर हो गया था, उधर फोटो वोटो खींचना हो गया था। तो मैं जो कह रहा था कि हमें उस साइड नहीं जाने दे रहे, किस साइड की बात कर रहा था, अंदर की साइड ठीक है, इस साइड से हम अंदर जा सकते हैं, मतलब अंदर नहीं फॉरेस्ट के अंदर नहीं, मतलब हाँ उस साइड को एक चीज़ दिखाना था आपको, दो नदी एक साथ इधर आके मिला था, जिसको हम संगम कह सकते हैं शायद, ही संगम ही कहते हैं शायद, तो संगम कह सकते हैं। तो इधर हुआ है जलनक्का नदी और मूर्ति नदी, इन दोनों नदी का इधर संगम हुआ है ठीक है। तो वो आपको दिखा सकता था मैं। और उधर वॉच टावर वगैरह है, उधर हमेशा मतलब हाथी वगैरह आते रहता है ठीक है, तो इसलिए शाम के टाइम पे उस साइड जाने मतलब अलाउ नहीं है, तो नहीं जा पाए अभी उस साइड को भी मैं बताता आपको। अभी इसमें से जो ये रास्ता इस साइड से गया ना, उस साइड को मतलब बस्ती है, जो इधर टी गार्डन में काम करते हैं वो लोगों का इस सेट को बस्ती वगैरह है, उधर टी फैक्ट्री है। और उस सेट को गया था मैं एक बारी,
तो उस सेट को भी मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ देखने को मिलता है कभी कभार। तो जब मतलब आज लेट हो गया ना, इस बार तो नहीं हुआ, मतलब नेक्स्ट टाइम अगर कभी इस जगह में आने का प्लान बना तो क्या ही मस्त प्लान बनाएंगे ना, मतलब एकदम टाइम वगैरह सब लेकर आएंगे और सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। हर कौशिक तभी फ़ोटो खींच रहा है वो पेड़ का, ठीक है। तो मैं इतनी बार कहता हूँ ना, मतलब क्या ही बताएं, जो भी है पहले मैं भी फ़ोटो खींच लेता हूँ फिर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। सो हमने फ़ोटो वगैरह सब कुछ खींच लिया, ठीक है। तो अभी वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है आई डोंट नो, तो इसी के साथ करता हूँ मैं इस वीडियो को एंड। अभी यहाँ से हम निकलेंगे, अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6:30 और शाम इतनी जल्दी मतलब ढलेगा ना वो पता नहीं था, ठीक है। तो जो भी है, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना, अगर अच्छा लगा तो लाइक वगैरह कर देना, और चलो मिलता है नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और मेरे वीडियो देखने के लिए रेडी रहो। बस मिलता है नेक्स्ट किसी वीडियो में, चलो टाटा।